सिटीजन्स वॉइस न्यूज चैनल की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, सिटीजन वॉइस में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। चलते हैं खास खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर स्थित डिवाइडरों व चौराहों पर भगवा रंग हटाकर कालिक पोती जा रही है। उसे रोकने और पुनः भगवा रंग करने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर के विभिन्न हिंदू संगठनों, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच व बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा वर्तमान में चित्तौड़गढ़ शहर की सुंदरता को खत्म करने व विश्व में एक अलग पहचान रखने वाले वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, जो कि त्याग, तपस्या और बलिदान केसरिया भूमि के नाम से विख्यात चित्तौड़गढ़ की पहचान है, उसे नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा ही समाप्त किया जा रहा है। इसके विरोध में जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में आरोप लगाया है कि नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा द्वेषतापूर्ण तरीके से नगर में कार्य कर रहे हैं और केसरिया रंग को मिटाकर मार्ग से लेकर डिवाइडर और विभिन्न महापुरुषों के नाम से स्थित चौराहों के भगवे रंग को मिटाकर कालिक पोत रहे हैं। चित्तौड़गढ़ पूरे विश्व में विख्यात है। चित्तौड़गढ़ नगरी त्याग, तपस्या, शौर्य एवं बलिदान की नगरी है। हमेशा से वीरता में चित्तौड़गढ़ अग्रणी रहा है। इस चित्तौड़गढ़ जिले का जो इसमें जो भगवा कलर शौर्य का प्रतीक है, इस पर इस बार नगर परिषद के द्वारा जो सौंदर्यीकरण के नाम पर इस भगवा कलर को मिटाकर काला कलर किया जा रहा है। तो इस बार जो काली दीपावली मनाने का जो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है, इससे चित्तौड़ की जनता में, चित्तौड़ के लोगों में, हिंदू समाज में बहुत भारी आक्रोश है। और अगर ऐसा कार्य किया गया और इसको रोका नहीं गया तो हिंदू समाज बहुत ही जल्द उग्र आंदोलन करेगा। इसकी चेतावनी देते हैं नगर परिषद को कि अगर ये इस भगवा कलर को, इसके ऊपर काला कलर पोतने का कार्य जल्दी बंद नहीं किया गया तो आगामी समय में हिंदू समाज का आक्रोश देखने को मिलेगा। सिटीजन्स वॉइस न्यूज चैनल की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतापगढ़ दुग्ध डेयरी संघ चित्तौड़गढ़ की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से समस्त जिले एवं ग्राहकों को रोशनी के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं कांग्रेस विधायक भरत सिंह देर शाम को झालावाड़ के दौरे पर आए। इस दौरान देर शाम झालावाड़ सर्किट हाउस पहुंचने पर भरत सिंह का कांग्रेस नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री भरत सिंह ने कहा कि अपने द्वारा दिए गए विवादित बयानों पर भी सफाई देते हुए कहा कि जिस तरह से गंगा नदी को गंदे नाले प्रदूषित कर रहे हैं, उसी तरह खनिज विभाग में भी कुछ गंदगियां आ गई हैं, जिससे इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो वहीं भरत सिंह ने उनियारा उज्जैन हाईवे की घोषणा को लेकर भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर सीधा निशाना साधा, साथ ही भाजपा के नेता व मंत्रियों को भी झूठा कहा। इस दौरान इस चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी को भी झूठा बताया। मोदी जी से कदम ताल मिला के बोलते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से घोषणाएं करते हैं उसी प्रकार से गडकरी जी भी करते हैं। यहाँ पर जो है स्वरोजगार की बात करी, एक मंत्रालय खोल दिया स्वरोजगार, और चोरों लुटेरों के जो जेबें काटते हैं वो स्वरोजगार जरूर मान लेता हूँ मैं, उसमें वृद्धि हो रही है चारों तरफ देश में, ताकि कहीं किसी को रोजगार मिला हो कि सरकार की केंद्र सरकार की योजना में वो निराधार है, नौकरियाँ बहुत कम हो गई, इसलिए बातें करना उसमें हम उनको पा नहीं सकते। भीलवाड़ा के वाणिज्यकर विभाग की टीम ने 3 दिन पूर्व अवैध रूप से चावलों से भरे ट्रक की तलाशी ली तो कर्मचारियों के होश ही उड़ गए। ट्रक में चावल की जगह पर लाखों रुपए की अवैध शराब भरी हुई थी। यह शराब अजमेर से उदयपुर के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही थी। इस पर विभाग ने आबकारी विभाग को सूचना दी और साथ ही ट्रक को जब्त भी किया। इस मामले पर वाणिज्य कर विभाग के एसटीओ मुकेश दूधवाल ने कहा कि 20 अक्टूबर को नाथद्वारा के पास नगड़िया टोल नाके पर नाकेबंदी लगाई गई। इस दौरान अजमेर की ओर से आए ट्रक से कागजात मांगे गए। उसने हमें ट्रक में चावल भरे होने की बिल्ट दी। बिल्टी की ऑनलाइन चेकिंग की गई तो वह अवैध निकली। इस पर ट्रक को जब्त कर भीलवाड़ा लाया गया। बहरहाल बता दें कि ट्रक ड्राइवर मौके से चकमा देकर फरार हो गया है। 19 अक्टूबर 2019 को श्रीमान संयुक्त आयुक्त राज्य कर भीलवाड़ा के निर्देशानुसार नाथद्वारा से आगे नगड़िया टोल नाके पे वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक वाहन जो आया, वाहन संख्या RJ19GG05047, उससे संबंधित कागजात मांगे गए, बिल और बिल्टी। तो उसमें जो उन्होंने बिल और बिल्टी पेश किए उसमें चावल का
बिल था और साथ में ईवी बिल जो उसने पेश किया था वो प्रथम हम जो हमारे को ऐप प्रदान किया गया है मोबाइल ऐप उससे जांचा गया तो वो इनवैलिड ईवी बिल था और साथ ही जो बिल पे जीएसटी अंकित थे वो भी इनवैलिड थे। इस आधार पे वाहन को डिटेन किया गया और वाहन को डिटेन करने के बाद में हमारे फोर्थ क्लास और एक होमगार्ड जवान को साथ में भेज के उनको ट्रक में बैठा के भिलवाड़ा कर भवन के लिए रवाना किया गया। तो रास्ते में पूरे नौगावा किराए के पास में ड्राइवर ने पान मसाला लेने के बहाने उतरा और गाड़ी को चालू हालत में छोड़ के अंधेरे में गायब हो गया था। फिर हमारे वाहन चालक के द्वारा उस वाहन को हमारे ऑफिस तक लाया गया और 3 दिन में किसी भी पार्टी ने कोई हमसे संपर्क किसी प्रकार का नहीं किया गया। तो नियमानुसार 3-4 दिन गाड़ी का फिजिकल वेरिफिकेशन 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया गया। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान चावल की बजाय चावल की भूसी निकली और उसके नीचे वाइन थी। तो संबंधित विभाग को सूचित किया गया और साथ ही संबंधित विभाग आबकारी विभाग पहुंच भी गए और आगे कार्रवाई जारी। सिटीजन्स वॉइस न्यूज चैनल की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतापगढ़ दुग्ध डेयरी संघ चित्तौड़गढ़ की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से समस्त जिले एवं ग्राहकों को रोशनी के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर जयपुर से मेडिकल शिक्षा विभाग की एक टीम ने प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव के नेतृत्व में कलेक्ट्री चौराहे पर स्थित पुराने महिला एवं बाल चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज जो अगले वर्ष से प्रारंभ होना प्रस्तावित है उस जगह का दौरा किया। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज के लिए चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने पिछले 6 वर्षों से प्रयास किए थे। इसके साथ ही पिछले अशोक गहलोत के शासनकाल के दौरान बजट में भी मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दी गई थी, पर सरकार परिवर्तन के बाद यह स्वीकृति ठंडे बस्ते में चली गई। बहरहाल अब मेडिकल कॉलेज की फिर से कवायद शुरू हुई। अब चित्तौड़गढ़ में भी मेडिकल कॉलेज शीघ्र शुरू होगा, ऐसी आशा सभी के द्वारा की जा रही है। निश्चित तौर पर जो बाई इलेक्शन है ना, सरकार की जो आप लोग ही कहते थे और दूसरे जो विपक्ष के दल के लोग कहते थे कि अब नगर निकाय के चुनाव हैं और सारी चीज़ हैं, सरकार की अग्नि परीक्षा है और ये 2 चुनाव हैं, इनसे सरकार की दिशा और नीति तय होगी। अब दिशा भी तय हो गई और नीति भी तय हो गई। अब आने वाले चुनाव में चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं चाहे निकाय के चुनाव हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और जनता जानती है कि करने में जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, नीति और नियत दोनों हमारी साफ है। स्पष्ट तौर पर मेडिकल कॉलेज की इसी बजट में शुरुआत घोषणा हुई, इसमें मेडिकल कॉलेज खुलने को जा रहा है। तमाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉलेजेस खोले, महाविद्यालय खोले, वो एक होता है घोषणा करना और एक होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको हाथ के हाथ शुरुआत करना। तमाम जो कॉलेज थे वो शीघ्र चालू हो गए, यथावत क्लासेस चालू हो गई, वही मेडिकल कॉलेज का हाल है। निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत काम करता है और काम बोलता है। अब काम दिख रहा है, काम बोल रहा है, तो जनता निश्चित तौर पर आगे वाले चुनाव में। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए सिटीजन वॉइस के साथ। नमस्कार।